नमस्कार, मैं कंचन दास, आप सभी को स्वागत है बोराइल न्यूज़ पे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंका टू उमरांगसू रोड के पास। दो बस्ती है, जो बस्ती का नाम है नब्दी लंकरू, एक डिमासा बस्ती और एक कार्बी बस्ती है जो छोटो लारफेंग। यहाँ पे मैं मौजूद होने का रीज़न है आज में, क्योंकि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि एक सीमेंट फैक्ट्री आने वाला है, जो कि गाँव वाला नहीं चाहता है जो है सीमेंट फैक्ट्री आए। तो इसी के चलते हुए आज आइए मैं दिखाता हूँ ये यहाँ पे मैं मौजूद होने का कारण क्या है। यहाँ पे आज जो छोटो लांगफेर और नब्दी क्रू के जो बस्ती वालों हैं, उन्होंने ये जो 2000 बीघा जो ज़मीन है, वो ज़मीन को कंपनी वालों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटो लारफेंग 23 KM एरिया, नो एंट्री विदाउट परमिशन ऑर्डर बाय GBNVDC। तो यहाँ पे ये लोग इसीलिए ये बस्ती को ये ज़मीन देने नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 2-3 कंपनियाँ आ चुका है। जैसे कि सभी को पता है उमरांगसू एक काफ़ी इंडस्ट्रियल टाउन है, काफ़ी बड़ा टाउन है उमरांगसू। यहाँ पे काफ़ी सारा इंडस्ट्री है, जैसे कि लोंगकू में प्रोजेक्ट चल रहा है, डालमिया है, नेपको है। गाँव वाला का कहना है जो उमरांगसू के लोकल्स को अभी तक कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है, सिवाय कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा। तो इसी का चलते हुए यहाँ पे फिर से जो सीमेंट फैक्ट्री आ रहा है, तो ये सीमेंट फैक्ट्री को ये लोग यहाँ पे नहीं देंगे एंट्री। सीमेंट फैक्ट्री छोड़ के दूसरे कोई कंपनी होगा, कोई फैक्ट्री होगा, तो वो लोग चाहते हैं कि आइए, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे नहीं देंगे। तो ये लोग को कुछ पता ही नहीं है जो कब यहाँ पे ये परमिशन दिया गया है कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बैठाने के लिए काउंसिल की तरफ से, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने हमारे साथ बात किए हैं, तो चलिए अभी बात करते हैं गाँव वाला से, जो उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम सोनेश ओझा है, हमारा गांव लोंगकुकरो नोबी लोंगकुकरो है। और हम जो आज ये न्यूज़ में जो कहना चाह रहा था वो है, हमारा गांव में एक फैक्ट्री बैठेगा बोला था, फैक्ट्री बैठेगा बोला, वो हमें कुछ गांव का लोगों को कुछ पता नहीं रहा। जब पहले दिन शुरू हुआ, जब JCB लेके आया, वो खुदाई शुरू कर दिया अपना से, गाँव का लोगों को किसी को बोला नहीं है। गमर का पास में भी हमारा गाँव का गमर का पास में भी बोला नहीं बोला, इतना भी हमें मतलब गाँव कमरा भी हम लोग का पास में कुछ भी नहीं बोला। जब मालूम जब जिस भी काम शुरू करने के लिए खुदाई शुरू किया, तो हम लोग का गांव का आदमी लोग जाके रुकाया, रुकाने के बाद में तो किस लिए खुदाई शुरू हुआ बोल के बोला, तो ये यहाँ फैक्ट्री बैठेगा, सीमेंट फैक्ट्री बैठेगा, इसलिए ये काम करने के लिए आया, ऐसा बोला था। तो नहीं, हमें ये गाँव का लोगों को किसी को भी मालूम नहीं हुआ यहाँ फैक्ट्री बैठाएगा करके, तो ये काम तो मत करके रुकाया। उसके बाद में हमारा यहाँ का CM का बस में जाकर सभी गांव का लोग जाके मतलब ये हालत का बारे में बोला, तो बोलते हैं कि वहाँ सीमेंट फैक्ट्री बैठेगा, जो सीमेंट फैक्ट्री बैठेगा आप लोग का ज़मीन तो जाएगा आपका। और ये सीमेंट फैक्ट्री तो ठीक है, कोई यो नहीं हुआ, मीटिंग भी नहीं बैठाया, और क्या क्या मतलब वो जो चीज़ होना था फैक्ट्री का मामले में, जो कहना था, जो हम लोग गाँव का लोगों को जो समझाना था, जो बोलना था, एक्सप्लेन करना था, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहता है कि ये फैक्ट्री यहाँ पर ना बैठाए। देखो, फैक्ट्री से इतना प्रॉब्लम ही नहीं रहा, लेकिन ये सीमेंट फैक्ट्री से ज़्यादा प्रॉब्लम है। फैक्ट्री लेके आए कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा जो फैक्ट्री होता है इंडस्ट्री का, ये सब लेके आए, वो जूस का फैक्ट्री हो, जो वगैरह वगैरह सब काफ़ी ऐसा है, तो वो सब लिखा है, यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि गांव का लोग गांव का यहाँ में तो सभी किसानी ज़्यादा है, तो यहाँ सीमेंट फैक्ट्री बैठा देगा तो हम यहाँ किसान लोग खेती कहाँ करेगा। और ऊपर से हमारा ये सीमेंट फैक्ट्री बैठेगा तो पोल्यूशन का भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ जो क्या बोलता है खेती करता है, धान लगाता है, और हम यहाँ तेल भी लगाता है, जो फिर यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री बैठेगा तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा करके हम लोग चाहता है कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री ना बैठाए। आप लोग को जो फिर सीमेंट फैक्ट्री बैठाने का जो बातचीत निकला, तो आप लोग को आपको NOC दिया रहा है, गाँव वाला तरफ NOC दिया रहा है। जी, ये NOC का बारे में भी हम लोगों ने कमरा को जाके पूछा, ये फैक्ट्री का मामले में आपने गाँव का तरफ से कोई NOC दिया ना क्या करके कमरा को जाके पूछा, तो बोला देखो हम तो फैक्ट्री का मामले में तो किसी को भी आज तक किसी को NOC नहीं दिया बोला। तो आप लोग को ऐसे कॉम्पेंसेशन कुछ दिया नहीं क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया। और ये और एक मतलब एक था,
हमारा यहाँ में एक आलाइटो फत्री करके एक तो स्टेचू ओपनिंग कर रहे हैं। हमारा यहाँ सीएम सर भी एक स्पीच में बोला था 2015 को ही यहाँ फैक्ट्री बैठाएगा करके नियम से आया और एनओसी दिया बोल के बोला। फिर वही वो सुन के हम लोग कमरा को जाके पूछा, हमारा गाँव कमरा को पूछा तो बोला नहीं हमें हम आज तो किसी को भी फैक्ट्री बैठाएगा करके किसी को भी एनओसी नहीं दिया बोल के बोला। इसलिए देखो सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा ज़्यादा जो है सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री नहीं बैठाएगा, नहीं मानता हूँ नहीं मानता। आप लोग ऐसे कुछ रुपया वुपया ऐसे कुछ हुआ नहीं क्या? हाँ एक रात में आया था हमारा यहाँ का पटवारी सब आया था, तीन पटवारी आया था और रात का वक्त को लगभग 8 बजे की तरफ में होगा और 2 लाख रुपया चेक बांट के गया था। वो हमें तो वो हमारा ज़मीन जा रहा करके हमारा ज़मीन का पैसा करके भी गांव का लोगों को मालूम नहीं हुआ है जो बाद में 2 लाख चेक रुपया दे रहा है लेने के लिए आ जाओ करके कहीं कहीं से सब लोग भी एक बगल बगल आरोपी पड़ोसी सबको भी बोला बोल के सब लोग गया और 2 लाख रुपया चेक लिया। मतलब ये ज़मीन जा का पैसा है चेक करके मालूम नहीं हुआ है भी। फिर बाद में पता चला कि वो हमारा यहाँ फैक्ट्री बैठेगा उसी का चेक है ये 2 लाख रुपया। आप लोग वो चेक का एक्सेप्ट करा? चेक जब उस टाइम में कुछ नहीं कहा, जब चेक दे रहा था तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा ये ऐसा का चेक है करके पैसा है करके कुछ नहीं बोला। तो बाद में ये सब पूरा मालूम होने के बाद में तो हम लोग ने बोला अरे हम लोग तो यहाँ फैक्ट्री बैठाने नहीं चाहता, इसलिए हम लोग वो चेक तो रिटर्न कर दिया। जब हम लोग वो चेक रिटर्न किया तो काउंसिल से कोई फ़ोन करके बोला गाँव का किसी यो को हम लोग को ऐसे फिर खबर मिला तो ये काउंसिल का ज़मीन है आप लोग ये 2 लाख रुपया चेक रिटर्न करने वाले तो लेना है तो वापस ले लो, नहीं तो आप लोग पैसा भी नहीं मिलेगा और ये ज़मीन भी वापस नहीं मिलेगा, ऐसा फ़ोन करके बोला गांव का आदमी को। तो मतलब डर गया गांव का लोग डर गया, मतलब इतना गांव का आदमी लोग इतना समझदार भी नहीं, यो नहीं समझता था तो लोग डर गया। तो ज़मीन भी नहीं मिलेगा और पैसा भी नहीं मिलेगा, लेना है तो वापस ले लो बोल के बाद अगर ज़मीन भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं वो 2 लाख रुपया ही वापस लेने के लिए सब लोग भी चला गया। इसलिए वो 2 लाख रुपया किसी लोग कोई लोग गया लेने को लेकिन कोई लोग अभी भी है मतलब नहीं लिया। आप लोग ऐसे इधर में कितना हाउस होगा? हमारा यहाँ पे 35 हाउस है टोटल ना। हाँ तो अभी मतलब कुछ आदमी चेक लिया और कुछ आदमी चेक नहीं लिया अभी भी। हाँ जब पहले रात का वक्त जब आए के दिया था उस टाइम में लिया, फिर रिटर्न करने के बाद में वापस काउंसिल में लेने को वापस नहीं किया। जो मतलब कोई जो डर गया था होगा वो लोग वापस लेने के लिए गया, अभी भी है नहीं लेने वाला लोग, मतलब फैक्ट्री यहाँ पर नहीं भी रह सकता है वो चेक लेने से तो फिर वो फैक्ट्री तो बैठाने लगा और करके हम लोग आज तक तो वो चेक नहीं लिया। आप लोग अभी क्या क्या मांग करता है? हमारा मांग ये है कि मतलब जितना हो सके ये फैक्ट्री तो यहाँ पर मत बैठाइए, क्योंकि वो फैक्ट्री यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री बैठाई करो हमारा भी कभी मतलब पोल्यूशन का वजह से हमें या किसान लोगों को भी कभी दिक्कत हो जाएगा। देखो जानवर पालने वाला भी कभी हो जाएगा और ऊपर से हमारा इन्वायरमेंट और ये पानी उनी का भी और खेतियों में काफ़ी मतलब वो डस्ट आ जाता है ना, पोल्यूशन आ जाता है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, देखो सीमेंट फैक्ट्री देखा नहीं है यूट्यूब बात नहीं है, सामने में ज़्यादा दूर नहीं है 7 किलोमीटर का दूरी पर होगा शायद, एक डालमिया सीमेंट है वहाँ पर, डालमिया सीमेंट है करके हमारा यहाँ इसी गांव में इफेक्ट होता है। हम लोग जब यहाँ खेतों में वहाँ का पोल्यूशन यहाँ तक आके इफेक्ट होता है। यहाँ में एक्चुअली जमा हुआ कि ये नब्दी लोंगकुक्रो और ये छोटो लरफेंग, ये दोनों गाबुरा मतलब छोटो लरफेंग का गाबुरा से तो पूछा ही नहीं कि यहाँ का इतना ज़मीन जा रहा है और डायरेक्ट आके यहाँ आप देख सकते रास्ता बना दिया है, तो विदाउट एनी कंसर्न कैसे मतलब माटी आके ले लेगा, मतलब कौन लिया? कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट। अच्छा तो मतलब ये अभी काउंसिल को हम बोलना चाहते हैं कि मतलब बिना गाँव वालों को पूछ के कैसे मतलब तुम लोग इधर में आके ये काम शुरू करेगा। तो कल भी एक्चुअल में आया था हम लोग गेट बनाया वहाँ पे, तो गेट आके तोड़ दिया, फिर हम लोग गाँव वाले लोग आया, दो गाँव मिलके भीमासा गाँव और करबी गाँव आके फिर गेट बनाया। और ये जो करने वाला है तो बोल रहा है कि मतलब काउंसिल से कोई आया कंपनी वाला लोग एक साथ आके तोड़ा, तभी हम ये बोलना चाहते हैं कि मतलब बिना एनी कंसर्न क्यों इधर में करेगा मतलब, और कॉम्पेंसेशन का नाम में सिर्फ 2 लाख रुपया दिया और वो भी सिर्फ एक गांव को,
और वो कॉम्पेंसेशन भी क्या हिसाब से दिया हमको समझ में नहीं आया। किसी का 16 बीघा जा रहा है उसको भी 2 लाख मिल रहा है, किसी का 4 बीघा जा रहा है उसको भी 2 लाख मिल रहा है, क्या हिसाब से दे रहा है ये पैसा? टोटल कितना बीघा? टोटल 2000 बीघा है। अच्छा। और एक्चुअल में अभी जो ये जिसको कॉम्पेंसेशन मिला है नब्दी लोगों को, इसका एक्चुअल में 2000 बीघा है ही नहीं है ये क्या ये गाँव का, तो एक्चुअल जा रहे कार्बी जमीन, कार्बी गाँव का जमीन ज़्यादा जा रहा है। तो मतलब आप लोग को कुछ कॉन्टेक्ट करा, मतलब गाँव वालों से बातचीत करा काउंसिल की ओर से, बा मतलब ऐसे प्रोजेक्ट खुलेगा, ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ में स्टार्ट करेगा, इसको लेकर कुछ बातचीत हुआ या NOC कुछ दिया गाँव वालों से? कार्बी गाँव का तो नहीं दिया, दिमासा गाँव को तो जाके पूछा तो वही का NOC से ये पूरा काम तो चल रहा है अभी। और वो गाँव वाला लोग भी वो गाँवड़ा का खिलाफ है। तो मतलब अभी टोटल है वहाँ पे 35 विलेजेस, मतलब 35 हाउस होल्ड, 35 हाउस होल्ड में से मेरा हिसाब से हाँ 8 लोग को तो चेक नहीं मिला, मतलब चेक लेके भी वापस दे दिया, और 6 लोग को तो चेक मतलब दिया ही नहीं। अभी आपका कहने के मुताबिक क्या गाँवबुरा किसे वो लोग बात किया है? गाँवबुरा से भी गाँवबुरा नाराज है? एक की गाँवबुरा से बात हुआ है, वो भी डिमासा गाँव का, कार्बी गाँव का गाँवबुरा से बात नहीं हुआ है। अभी आप लोग यहाँ मतलब किसको रुक रहा है, क्या क्या होती? अभी हम लोग पटवारी के लिए रुक रहे हैं, पूरा डिमार्केशन देख लेगा कि कितना किसका जमीन जा रहा है। तो यहाँ में गाँवबुरा भी अभी सब सोल्यूशन तो निकल जाएगा। और जितना है कि गाँव वाला जो अभी मौजूद है नहीं चाहता है कि सीमेंट फैक्ट्री आओ बोल के। आप लोग अपोज कर रहे? अपोज कर रहे, पूरा अपोज कर रहे हम लोग। और ये जमीन देगा ही नहीं वैसा मतलब हम लोग सब गाँव वाला का मानना है। तो अभी अगर डिमार्केशन ही नहीं हुआ तो फिर कैसे वो लोग रास्ता काट दिया? वही बात समझ नहीं आ रहा है कि काउंसिल क्या कर रहा है। एक्चुअल में आके तो पूछना है ना काउंसिल की मिट्टी किसका है, बिना जमीन का मालिक को पूछ के अभी घुस जाएगा तो नहीं होगा। तो आप अभी आप क्या मांग करता है? हम लोग का जो कार्बी गाँव का जो मांग है जमीन देगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले इफेक्ट होके यहाँ आके हम लोग गाँव बनाया है, तो यहाँ से अभी हम लोग कहाँ जाएगा? और ये उमरोंगसो का जो जमीन है और है ही नहीं, पूरा फैक्ट्री को दे दिया तो कहाँ बैठेगा यहाँ का आदमी? फैक्ट्री आके बैठाएगा वो क्या खेती नहीं कर पाएगा, जमीन खराब हो जाता है सबको भी मालूम है, हवा पानी सब खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? और अभी टूरिज्म का ना टूरिज्म करे तो टूरिज्म अच्छा से करो, ये फैक्ट्री इतना सारा फैक्ट्री यहाँ में लाके कुछ फायदा नहीं है। ऐसे अगर फैक्ट्री होता तो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर गाँव वाला सीमेंट फैक्ट्री को अपोज कर रहा है या कोई सब फैक्ट्री को अपोज करता है? सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री को अपोज कर रहे हैं, बाकी तो और डेवलपमेंट का नाम में और कुछ और ला सकता है, स्कूल लाओ, मतलब मेडिकल कैंपस लाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ। अभी तो फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते, सीमेंट फैक्ट्री के लिए ऑलरेडी जमीन दे चुका है और देख लिया है कितना लोग को मतलब यहाँ नौकरी मिला है लोकल्स, ऐसे लोकल्स सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बना देने से तो नहीं होगा। तो अगर दूसरा फैक्ट्री लेके आएगा तो आप लोग देने के लिए रेडी? हाँ, सीमेंट फैक्ट्री को तो सीमेंट फैक्ट्री तो नहीं देगा, बहुत प्रदूषण होता है उससे। और अभी जो हम लोग यहाँ में ऐसा जमा हुआ था डिमासा सुंजाबान जिंगली बजम जलाइबा बजम जलाइबा ग्राव जाखा जिनी बो नब्दि लंखुख्र 26 किलो उमरांसु कोई वो राजीन हा बिसिंह हा कंपनी खामफाइबा तो ये कंपनी खामफाइबा दार हा राजी हा मुसीब थांगदावनी फाइदावनी सब सिजाव सैलिया जुलाइया हिसे ब्रेक ब्रेक मखाव दारा लाइज खिलाइहे बैसे खामला फैबा टिकला मखाव दारा खेला बिदिहे खिलाइ रे मखाव खेला नाले ब पुलिस ने खनारी दारा जिन रेम रेमरी बसे ठीक है इबो मखाव दारा से को मखाव दारा खेल देखला रे आनी सवादे को उलिक सिन थे ठीप ठीपुबा और बाव बाव फुबा ठीक है मासे ठीक है उलिक ठीक है ढोले ठीक है कुसी कुसी फैक्ट्री खामरी लामा साइले ही जो लाई ने जिन खामरी फिया ओडिसम तो उलि बहा साइले या ही जो लाई ही से खामला फैबा ठीक है बखे बखे दे जिन दे गो खामजाव फिया जिन दांगमा नांगदो जिमा नांगदो हा गिरि नो गिरि इदि नों मलाय हम जागा हाले हा बांगिया आर दो माने ओरा फैक्ट्री खामसि आखाला जिंला सिना बराहा दांग मखो बरा जिमा को
उनले बानी गो आं ठिकिनाव गरा उठाय दे गोलि जांनि जामरि लाडु ये जगह के लिए आगे जे पीसीमैन भी आ जा हुआ है, फिर भी हम लोग जगह नहीं दिया है जगह में, और आज में भी हम लोग नहीं देगा। ये जगह का नाम चटलार फेंग, माने आप किसको जगह नहीं देगा? जो फैक्ट्री हो आने नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। आपको कुछ पूछा नहीं क्या? हाँ नहीं पूछा, नहीं पूछा, जानकारी नहीं हम लोग कुछ, वो तो काम चलेगा बोलने के बाद में हम लोग मालूम। तो आप जब यहाँ में आया जब बिहार रास्ता काट के है तो आप लोग बिहार के गेट भी बंद करा, मतलब क्या मतलब गेट भी बंद करा? ये सब सुना है ये सब बात, तो ऐसा काम चल रहा है इधर कैसे कर रहा है बोल के, ऐसा हवा तो हम लोग सुनने मिलता है, खुद काम तो हम लोग को मालूम नहीं ना जानकारी क्या है क्या नहीं है। एक तो फैक्ट्री अगर शुरू करता है तो नियम से जाने से गाँव को आदमी से बात करता है, गाँव का आदमी का एनओसी लेता है, गाँव बुरा का एनओसी लेता है, तो आप लोग कैसे कुछ लिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कितना बीघा आप लोग कैसे सुनने मिला? ऐसे तो 2000 बीघा सुनने मिला, 2000 बीघा मतलब माटी जाएगा अभी आप लोग मतलब माटी नहीं देगा? नहीं देगा, हम लोग खाली इसका लिए नहीं है, कैसे भी हम लोग नहीं नहीं, ये है बात। आप लोग ऐसा रास्ता ब्लॉक काल में भी किए थे? हाँ किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हम तो नहीं आया था, इसके बाद हमें बोलने नहीं सकते। काउंसिल मतलब काउंसिल की ओर से आप लोग बातचीत हुआ? बातचीत नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। काउंसिल का कोई आदमी आप लोग से बातचीत? हाँ नहीं, कुछ नहीं करा, नहीं। अभी आप काउंसिल को क्या कहना चाहते हैं? काउंसिल जैसे चलाओ, हम लोग को बचाना है ना नहीं बचाना है, अगर हम लोग का ऐसे करे कहता हम लोग आज के बाद से कोई किसी को वोट नहीं देगा, इलेक्शन में भी हम लोग ना जाए, मतलब बॉयकॉट करेगा? हाँ बॉयकॉट करेगा, मरते दम तक जमीन जाने दो, हम लोग नहीं करेगा, हम लोग को कैसे रखेगा रखो। आप लोग जो जमीन जा रहा है 2000 हम लोग का रोजगार तो जाइए, हमारे गाँव के रहने वाला 55 घर है, वो भी दो सिर्फ दो नौकरी करने वाला है फुल पेड एम्प्लॉय, बाकी सब कुछ इस जमीन से हम लोग जीता है, इस जमीन से कुछ हम लोग का मिलता है, अपना लड़का बच्चा को खाना पीना कपड़ा जूता जो कुछ स्कूल पर आता है। तो अभी अगर जमीन नहीं रहेगा तो फिर? जमीन अगर रहेगा तो हम लोग खा जाएगा, आप लोग सोचिए, आप लोग भी सोचिए, सरकार सोचो, हम लोग आदमी ना जानवर है, जानवर को भी तो पालना ही लगता ना, तो आदमी को नहीं पलेगा, आदमी के लिए जानवर के लिए जगह रखता है, लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगता है, तो आदमी के लिए रखने का जगह कहाँ है? अभी इधर बैठो बोल के बोला, हम लोग को जॉब नेपको का इफेक्ट से हम लोग इधर आने पड़ा, नहीं होने से हम लोग वो पुराना जगह में शांति से रहता रहा, नहीं होने से धर्म तोड़ो हम लोग को जगह पुराना जगह में बैठा दो। अभी आप लोग मतलब पहले इफेक्ट होके इधर आए, शिफ्ट हुआ है, अभी फिर यहाँ में इफेक्ट? हाँ री इफेक्ट होगा तो हम लोग कहाँ जाएगा फिर? आप असम गवर्नमेंट को या काउंसिल को क्या क्या मैसेज देगा, क्या बोलने मांगते? हम बोलने मांगते हम लोग का भी सोचो, आदमी बोल गए हम लोग कभी रहने का जगह दो, खेती करने का जगह दो, जीने का जगह दो, जगह देगा तो फिर आप लोग देगा? हाँ आप लोग काउंसिल जैसे शेड्यूल एरिया है, काउंसिल तो बोलने से माई बाप है जी, हाँ तो अगर बाबा अपना बच्चा को मतलब ऐसे टॉर्चर करेगा तो बच्चा कहाँ जाएगा ना जी? आप उसको लेकर आपका ऐसे क्या क्या बोलना होता है? ये तो जानवर भी तो अपना बच्चा को प्यार करता है, और जानवर से भी और खराब है हम बोल देता है, वो सब सोचने वाला को जानवर से भी और खराब है, आदमी आदमी को आदमी नहीं सोचता है। तो आपका कहने के अनुसार कि जानवर से भी वसूली की कला है, ऐसे जब चलेगा तो हम भी कोई किसी का जमीन छीनेगा जो कुछ करेगा तो क्या होगा, हमारा पर कुछ बात नहीं आएगा। तो जैसे आपने सुना है कि यहाँ के गांव वाले का क्या कहना है, जो उन लोगों ने कहा ये मर जाएंगे लेकिन ये ज़मीन नहीं देंगे इस बार इसीलिए नहीं देंगे कि उनका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ना नौकरी मिलता है कुछ मिलता है, उनको जितना भी डराए धमकाए वो लोग नहीं मानेंगे, वो लोग ये ज़मीन नहीं देंगे, ये लोग ये ज़मीन को अगर ये लोग दे देंगे तो लोग खेती बाड़ी कहाँ करेंगे, जूम कहाँ करेंगे, क्योंकि सभी को पता है डिमासव में जितने लोग हैं सब जूम और खेती बाड़ी से चलते हैं जो बस्ती के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन कभी नहीं देंगे चाहे मर जाएंगे, यही ज़मीन है जो लास्ट उनका पास संपत्ति है। तो अभी चलिए बात करते हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनसे। अच्छा मैं अभी नोबी लंकुक्रो में है, कल यहाँ में
वो लोग का गांव में कुछ लोग आके यहाँ में ज़बरदस्ती लैंड को कैप्चर कर रहे ऐसे खबर सुन के मैं आया है। और मैं खुद भी इस सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर में आरटीआई दिया था काउंसिल में, उसमें कुछ अच्छा से हमको रिप्लाई भी नहीं दिया, जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है सब नहीं दिया, सिर्फ जो जो बेनिफिट इफेक्टेड ये सब तो दिया, हम आपको बाद में भी शेयर कर देगा। और वो लोग गांव वाला लोगों को वो लोग डरा के वो लोग को ज़बरदस्ती वो पैसा डोलक बांटता है, वो तो हम नहीं मानता है, वो सब बंद करो, वो सब गुंडा ये सब बंद करो। और मैं खुद ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिमासो में खुद अपोज करता है वो सीमेंट फैक्ट्री को। ये सीमेंट फैक्ट्री से यहाँ में इतना इफेक्ट हो गया उमरांगसो में ऑलरेडी, पोल्यूशन को बोलो यहाँ का इन्वायरमेंटल पब्लिक को इतना प्रॉब्लम हो गया, ये सब अब ये क्यों और क्यों बैठेगा? वो लोग क्या ये सब जमीन तो छीनने के लिए सीएम बनाना क्या, ईएम बनाना क्या, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग तो सीएम बनाए ना, पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है वो सब सुनना है वो लोग को? वो लोग उल्टा ज़बरदस्ती ये सब छीनना शुरू करता है, वो तो हम नहीं मानते, हम पूरा अपोज करता है ये सीमेंट फैक्ट्री को। आप ऐसे क्या क्या मांग करते हैं? मतलब अभी देखा गया जो जो जैसे गांव वाला जो बोला विदाउट एनओसी सीमेंट फैक्ट्री बैठाने के लिए आ गया, गांव वालों को नॉलेज भी नहीं है, तो रात रात में उनको चेक पता है, अगर चेक रिटर्न करने वालों को फिर डरा धमकाया, तो उस सब लेके आप क्या सोचते हैं, क्या बोलता है, क्या बोलने मांगते? वो तो वो लोग तो गुंडारास हो गया, उसको तो हम भी अभी थोड़ा लीगली थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी गाँव वाला लोग उनको ऐसा करने से तो वो लोग तो बेचारा है ना, वो लोग तो डरे गए, और वो लोग का बैकग्राउंड तो आप लोग खुद मालूम है वो लोग क्या था पहले, अभी तो सीएम है, पहले सीएम का पहले भी तो वो लोग का करेक्टर तो डरे गए ना। और देखो यहाँ में सिर्फ ये गाँव ही नहीं, उमरांगसो एरिया में 7 गाँव जैसा है, वो लोग कार्बी एरिया का गाँव को भी वो लोग ज़बरदस्ती लैंड विदाउट पब्लिक कंसर्न वो लोग छीन रहा है, ये सब ठीक नहीं है, वो पूरा मैं अपोज करता हूँ। आप स्टेट गवर्नमेंट को क्या मांग करते हैं चीफ मिनिस्टर को? मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है, आप लोग भी समझिए, ये ट्राइबल लोग भी आदमी है, वो लोग का फ्यूचर को सोचिए, यहाँ में लैंड थोड़ा ही है, फ्यूचर में यहाँ का पब्लिक लोग कैसा खाएगा? यहाँ में तो फार्मर लोग एग्रीकल्चर लैंड डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर करके वो लोग फार्मिंग करके रहने वाला आदमी है ना, वो फ्यूचर को भी सोचना है लैंड, अभी वो लोग का लैंड इसे कैप्चर करने से वो लोग क्या करेगा फ्यूचर में? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ये सब करना बंद करो, आप लोग फिर से एक बार रिव्यू करिए वो सब जो आप लोग ऑफिशियली जो किया है वो सब आप लोग एक बार रिव्यू करके रिवोक करिए, वो मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे कि आपने सुना है जो ये गांव वाला के और जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट का क्या कहना था, तो वो लोग भी हम भी चाहते हैं जो इनका प्रॉपर इंक्वायरी हो, अगर ज़मीन देना है तो देना है, अगर नहीं देना है तो नहीं देना है, क्योंकि फैक्ट्री आने से सभी को पता है कि डेवलपमेंट होता है, लेकिन गांव वाला का कहना है जो फैक्ट्री से उमरांगसो में कभी कोई गांव वाला को डेवलपमेंट नहीं मिला है, कभी नौकरी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ फैक्ट्री आता है अपना काम करता है चला जाता है और यहाँ का नेचर को बर्बाद करके चला जाता है, उनका कहना है। तो इसी तरह के डिमासाओं के हर एक न्यूज़ को देखने के लिए आप जुड़े रहे बोराइल न्यूज़ के साथ। बोराइल न्यूज़ एक ही है जो आपको डिमासा के हर एक खबर को दिखाते हैं जल्द से जल्द। नमस्कार, धन्यवाद।